हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसके ऊपर जो भी 40-50 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, खासकर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, कैंसर है, इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अब जो यहाँ पे इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत कुछ है, चाहे हम बी सेल की बात करें, टी सेल की बात करें, क्वेश्चन आते रहते हैं इसके ऊपर। फिर है जैसे यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के ऊपर आता है क्वेश्चन, एमिनोजेनिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। कैंसर में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे मेटास्टेसिस की बात करें या कैंसर एंड सेल साइकिल की बात करें, वायरस इंड्यूस्ड कैंसर की बात करें, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। रेगुलेशन ऑफ हीमेटोपोइसिस क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इंटीजेंस क्या है, न्यूरोट्रांसमिशन एंड इट्स रेगुलेशन क्या है। तो करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेपेटिक ड्रग हैज न्यूरोटॉक्सिसिटी, बताइएगा इसमें से किसके अंदर जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी की जो है, ठीक है, टॉक्सिसिटी है। तो जैसे है, अगर आपने ड्रग्स पढ़े होंगे तो आप इजिली जो है इसको देख लोगे। विनक्रिस्टिन जो है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये एक ऐसा कीमोथेरेपेटिक ड्रग है जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द कोलेवा टॉक्सिन एक्ट ऑन ए जी प्रोटीन कॉपलेट रिसेप्टर सिस्टम, देयर बाय रिजल्टिंग इन ए अनकंट्रोल्ड सेक्रेशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन, द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में भी। तो क्या हो सकती है, देखिए जो कोलेवा है टॉक्सिन है, ये इनहिबिट करता है जीटीपेज एक्टिविटी ऑफ द जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट, ठीक है। ब्रेन लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रेन लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसका आंसर आएगा मैच्योर एस्ट्रोसाइट्स, क्या आएगा, मैच्योर एस्ट्रोसाइट इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्ट्स विद सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन करता है इंटरैक्ट विद सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल एसआरपी के साथ, ये आएगा लाइसोसोमल हाइड्रोलेज, ठीक है। The human papillomavirus, HPV carries a gene that functions as an oncogene. By inactivating the P53 protein, the fact that the loss of P53 function is oncogenic suggests that. तो ये आएगा P53 normally function to prevent uncontrolled cell division. Some oncogenic form of the RAS protein are oncogenic because they are unable to hydrolyze GTP to GTP. GTP to GDP इसी वजह से ये। Which of the following is not likely to result from the loss of functional P53? ये आएगा increases propensity to arrest in G1. Which of the following event is not associated with MAP kinase signaling? तो जैसे ट्रांसलोकेशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ये है इसका इवेंट के साथ आता है। डीफॉस्फोरिलेशन बाय फॉस्फोटेसिस ये भी आता है, फॉस्फोरिलेशन इफ डाउनस्ट्रीम टारगेट ये भी आता है, बट अगर हम बात करें फॉस्फोरिलेशन ऑफ अपस्ट्रीम रिसेप्टर्स ये नहीं आता है, तो ये है नॉट एसोसिएटेड विद मैप काइनेसिस। डायरेक्ट सेलुलर कनेक्शन सच एज गैप जंक्शन इन एनिमल सेल्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल अलाउ, ये क्या करते हैं, सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस्ड इन वन सेल टू रैपिडली डिफ्यूज इनटू द एंड स्टिमुलेट इवेंट इन सराउंडिंग सेल, ये इसका आंसर आएगा। बैक्टीरिया आफ्टर फैगोसाइटोसिस बाय माइक्रोफेज आर कन्फाइंड टू द फैगोसोमल कंपार्टमेंट्स ओनली, अंडर सच कंडीशन, ऐसी इस कंडीशन में होगा जब ओनली CD4 प्लस टी सेल्स कैन बी एक्टिवेटेड, तभी जाके ऐसा हो सकता है। Which of the following matches of oncogenes protein product is not correct?
जैसे यहाँ पे है नीचे वाला फॉस प्लेटलेट्स क्रिएटेड वॉल कैरेक्टर चैप्टर जो है ये इसका आंसर आएगा, बाकी जो है ये क्वेश्चन है। ओके, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स विच एक्ट एज मॉलिक्यूलर स्विच इनसाइड सेल वो होते हैं एक्टिव जब जीटीपी जो है वो बाउंड करती है। ठीक है, द टू कंपोनेंट सिस्टम ड्राइव्स बैक्टीरियल केमोटैक्सिस बाय कपलिंग ऑटो फॉस्फोरिलेशन ऑफ व्हिच रिसेप्टर टू फॉस्फोरिलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन, ये आएगा हिस्टिडाइन काइनेज। उसके बाद है टी सेल प्रोजेनिटर ओरिजिनेट इन बोन मैरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डू नॉट टेक प्लेस इन थाइमस। तो ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ ZAP17 टी सेल, एक्सप्रेशन ऑफ IL-2 रिसेप्टर, प्रोटेक्शन ऑफ IL-2, ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, सभी जो है कोई इवेंट भी जो है थाइमस के अंदर ये होता नहीं है। R2 एंटीजन सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्डिंग बी सेल इंडिकेटेड बाय, तो ये क्या करता है हाई एफिनिटी एंटीबॉडी। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद सीरम एंटीबॉडी, ये आएगा टाइप 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, नेचुरल एंटीबॉडीज और ऑफन क्या होती हैं इनकरेक्ट है। देखो बॉडी स्पेसिफिक होती है, हाई एफिनिटी IgG भी है, रिएक्टिव विद बैक्टीरियल कार्बोनेट्स भी है, बट ऑटो रिएक्टिव ये नहीं होती है, ये इसका आंसर आएगा, ये इनकरेक्ट है। द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन पेरिफेरल ब्लड टी सेल्स बेयरिंग ए गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर इज वो क्या है, वो होता है 1-5%। ठीक है, Which of the following is released by platelets in the vicinity of an injury? तो वो होता है PDGF। ओके, ये इसका आंसर आएगा। Platelet driven growth factor जो है इसका आंसर आएगा। Which of the following phospholipid is secreted during apoptosis of animal cell culture that can be used as marker? ये आएगा phosphatidylserine जो है ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आएगा यही आएगा फॉस्फोटाइडिलसेरीन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है स्लाइड ऑफ माइक्रोफेज वाज स्टेनेड बाय अमीनो फ्लोरेसेंस यूजिंग ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर TAP कॉम्प्लेक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट वुड एग्जिबिट पॉजिटिव स्टेनिंग विद दिस एंटीबॉडी, तो इसका आंसर आएगा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, Which of the following molecule is involved in calcium dependent cell adhesion जो है ये इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा कैडरीन, ये जो है इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही हम लेकर आए। उसके बाद है पैरवो वायरस DNA is sensitive to detection with S1 nuclease, this indicates the genome consists of क्या है सिंगल स्ट्रैंड DNA, क्या करता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ये बताता है। Phosphorylation cascades involving a series of protein kinases are useful for cellular signal transduction because क्यों है, क्योंकि they amplify the original signal जो है इसका आंसर आएगा। Administration of a vaccine will stimulate which type of immunity, ये आएगा artificial active। ठीक है, इन extracellular allergen की अगर हम बात करें वो क्या आएगा Mayelic। ठीक है, मे एलिक्ट रिस्पॉन्स दैट हैव द रिसेप्टर फॉर द एलेजेंड। नेटिव न्यू बी सेल्स एक्सप्रेस IgM एंड IgD ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, इन ह्यूमन आईज लाइट एक्सपोजर टू द रेटिनल फोटो रिसेप्टर्स, इन ह्यूमन आई लाइट एक्सपोजर टू द रेटिनल फोटो रिसेप्टर causes its hyperpolarization जो है इसका आंसर है। Which of the following bacteria is not naturally competent, अब वो ही है इकोली जो है ये इसका आंसर आएगा। All cytosolic proteins have a nuclear export signal that allows them to be removed from the nucleus when it resembles after ये आएगा माइटोसिस।